हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो चलेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रेट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेफिनेशन का पॉइंट क्या हो गया? अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रेट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। अब हम बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू को डिराइव किया जाता है। माना कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए है, और वो क्या कर रहा है, पी प्रोडक्ट बना रहा है। जब समय स्टार्ट नहीं था, t इज इक्वल टू जीरो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी ए और प्रोडक्ट बना जीरो। क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, टाइम स्टार्ट होगा, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t समय में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा x और a की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a माइनस x। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dA बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर हो जाएगी अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए अल्फा की वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए। अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, और एक वैल्यू लेंगे के, जहां के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ए को इधर ले आएंगे और डी टी को के साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, और इसे बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए वाई ए, और लिमिट आ जाएगी ए से ए माइनस एक्स, जहां ए क्या है, लोअर लिमिट है, और ए माइनस एक्स क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी, और लिमिट आ जाएगी टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टी। तो डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एल एन ए, ठीक है, लॉग ए, जैसे लिखेंगे एल एन ए, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी ए से ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, और लिमिट आ जाएगी टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टी समय तक। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। तो इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो हो जाएगा के टी। अब हम देखेंगे बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो इसे लिखेंगे एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब हमें पता है कि लॉग ए माइनस बी, लॉग क्या होता है, लॉग ए बाई बी,
तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो इसे लिखेंगे तो के टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे कि के की वैल्यू निकालेंगे, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टी इंटू एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। अब हमें एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि एल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग बेस पे 10। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस पर 10 ए बाई ए माइनस एक्स अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई, जो आई 2.303 लॉग बेस पर 10 ए बाई ए माइनस एक्स अपॉन टी। तो ये थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच बनता है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। हमारे पास इक्वेशन आई थी कि के टी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एल एन ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा के टी, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस के टी, एल एन ए माइनस के टी। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए। तो हमने इसी को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर टू। हम जानते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां देखेंगे कि वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसमें हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर आ गया, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एम क्या है, स्लोप माइनस के है। एक्स क्या है, टी, तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा टाइम टी। और सी क्या है, इंटरसेप्ट, तो सी की वैल्यू हो जाएगी एल एन ए, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा नीचे की ओर, स्लोप क्या है, माइनस के, और ये हो जाएगा सी इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा एल एन ए, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ, कैसे हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।